बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ वहाब साहिल और उम्मीद है आप सब फ्रेंड खैरियत से होंगे। जो जहाँ भी रहे अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये आपके लिए वीडियो लाया हूँ बेडफोर्ड ट्रक। तो भाई मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा 1974 का ये मॉडल है। लोकेशन ये हैदराबाद सिंध की है। तो भाई मेरे गाड़ी पुराना है पर बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है और सारा सामान इसके अंदर हीनो का लगा हुआ है। तो भाई फुल सामान इसके अंदर हीनो गाड़ी का लगा हुआ है। तो सामने स्क्रीन के ऊपर आपको शो की लोकेशन नज़र आएगी। तो भाई मेन शो से गाड़ी बिल्कुल ओके है। तो भाई मेरे जो जो सामान आपको नज़र आ रहा है ये इसमें ओरिजिनल सामान लगा हुआ है। हेडलाइट, इंडिकेटर की बत्तियाँ, आगे का बम्पर बिल्कुल ओके है। तो मेन शो से गाड़ी बिल्कुल नाइस और ओके है। तो ये आपको खाली साइड की लोकेशन नज़र आएगी। तो भाई खाली साइड की लोकेशन से भी गाड़ी बिल्कुल ओके और ज़बरदस्त गाड़ी है। तो भाई मेरे कलर भी इसका बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा कलर है। तो पीछे बॉडी भी इसकी बिल्कुल मज़बूत है। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो मज़बूत इसकी लोडिंग के लिए बॉडी बनी हुई है और अच्छा मटेरियल इसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये आपको दूसरे साइड का कंडीशन नज़र आ रहा होगा। तो भाई दूसरे साइड से भी गाड़ी ओके है। ड्राइवर साइड तो यहाँ से भी गाड़ी बिल्कुल नाइस है। तो आपको बॉडी भी नज़र आ रही होगी भाई, केबिन भी नज़र आ रहा होगा। तो बेडफोर्ड गाड़ी है और बिल्कुल अच्छे और परफेक्ट अंदाज में बना हुआ है। तो भाई मेरे ये इसके पीछे की बत्तियाँ आपको नज़र आ रही होगी, नीचे का आपको बम्पर नज़र आ रहा होगा। तो भाई मेरे पीछे बैक साइड से भी गाड़ी ओके है और बिल्कुल नाइस है। तो पीछे बैक साइड से भी इसमें कोई मोटा मोटा काम नज़र नहीं आ रहा है और गाड़ी ओके है। तो भाई मेरे ये आपको पीछे बैक साइड की जो पट्टियाँ लगी होती हैं आपको नज़र आ रही होगी। तो भाई मेरे मुकम्मल इसकी बिल्कुल ऊपर तक पट्टियाँ हैं। तो पीछे बैक साइड से बिल्कुल गाड़ी ओके है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बैक साइड से गाड़ी वाज़े तौर पर नज़र आ सके और आप मुतमईन हो सको। तो यह अभी आपको बैक साइड से मुकम्मल गाड़ी नज़र आ जाएगी। तो भाई मेरे हिसाब से बैक साइड से गाड़ी बिल्कुल ओके है। तो बैक साइड से भी गाड़ी में कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई मेन शो दोनों साइडों से और पीछे बैक साइड से बिल्कुल गाड़ी ओके है और कोई मोटा मोटा काम नज़र नहीं आ रहा है। तो भाई मेरे ये आपको मलगाट और टायर की लोकेशन नज़र आ रही होगी। तो भाई आगे के टायर इसके बिल्कुल ओके है और मलगाट इसके बिल्कुल क्लियर है। तो भाई मेरे गाड़ी को बिल्कुल A1 परफेक्ट बनाया है गाड़ी को। तो ये पीछे की जोड़ी भी आपको नज़र आ रही होगी। तो भाई मेरे पीछे की जोड़ी भी बिल्कुल इसकी ओके है। तो टायर इसके 6 के 6 टायर बिल्कुल ओके है और टायर वाइज और मलगाट वाइज इसमें कोई काम नहीं है। तो नीचे से गाड़ी बिल्कुल ओके है। हिस्सा और गियर इंजन बिल्कुल ओके है मेरे भाई। नीचे चेसिस बिल्कुल ओके है। तो मैंने तो आपको बताया कि भाई फुल सामान इस गाड़ी के अंदर हीनो गाड़ी का लगा हुआ है। तो अल्ट्रेशन हीनो गाड़ी का हुआ है इसमें। तो मुकम्मल वैरायटी इसके अंदर हीनो की लगी हुई है। तो ये इसका इंजन है मेरे भाई। तो आपको नज़र आ रहा होगा तो आप तसल्ली कर लो, मुतमईन हो जाओ। तो आपको रेडिएटर भी नज़र आ रहा होगा भाई, इंजन भी नज़र आ रहा होगा। तो भाई आप तसल्ली कर लो क्योंकि बेडफोर्ड में मुझे इतना तजुर्बा नहीं है। तो भाई मेरे आप देख लो और मुतमईन हो जाओ। तो खाली मैं रिव्यू करा रहा हूँ इसकी, आप देख लो। तो जिस मेरे भाई को ये गाड़ी पसंद हो और ज़रूरत हो और लेने के मूड में हो तो भाई फुल गाड़ी बना हुआ गाड़ी है बेडफोर्ड। तो हीनो का सामान इसके अंदर लगा हुआ है। 1974 का ये मॉडल है मेरे भाई और डिमांड इसकी मालिक कर रहे 26 लाख। तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर रब्ता कर सकते हो। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।